सतना जिले के मेहर में एक दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया और उसका उपचार करवाने की बजाय दो दिनों तक घर में ही बंधक बना कर रखा। दर्द से तड़पती महिला का साथ उसके ससुराल वालों ने भी नहीं दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसका पति उसका उपचार कराने प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। तब पत्नी ने दूसरों की मदद से अपने मायके फोन कर पूरी घटना बताई, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसके क्रूर और लालची पति के खिलाफ मुकदमा कायम कर गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी अनुसार मेहर निवासी 20 वर्षीय संजना पटेल, पति राजकमल पटेल की वर्ष 2016 में शादी हुई थी। 5 सितंबर को आरोपी पति अपनी पत्नी को मायके से मना कर ले आया, जिससे दिन भर खेत में काम करवाया और रात को सोने के लिए छत पर भेजा, जहां हुए विवाद में उसने अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। महिला की कमर और सर पर गंभीर चोट आई, लेकिन घायल पत्नी को उपचार कराने की बजाय घर में ही कैद करके रखा। जब महिला की तबीयत गंभीर होने लगी तो उसे डरा धमका कर उपचार के लिए निजी चिकित्सक के पास पहुंचा, जहां महिला ने अपनी सूझबूझ से हॉस्पिटल की एक महिला की मदद से अपने भाई को फोन किया और पूरी घटना बताई। करीब 20 मिनट में घायल महिला का भाई वहां आ पहुंचा, जिसे देख पति भागने लगा, जिसे पकड़कर मेहर पुलिस को सौंपा और महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया। घायल महिला का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टर ने कमर की हड्डी और सर पर गंभीर चोट लगना बताई। दहेज मांगता है, टांग बोलता है। क्या मांगते दहेज में? फोर व्हीलर मांगता है, टांग करता है, दारू पीता है, दारू पिलाता है। अब परिवार वालों को हमारे गाली देता है कि तेरे परिवार वाले ऐसे हैं वैसे हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इसका पति दारू खोर है, परेशान करता था, दहेज की मांग करता था 2 लाख रुपए की। ये 3 दिन पहले ही मायके से लेके उसको आया था। अभी बीती रात इसने इसके साथ में मारपीट की, छत में ले गया और छत से धक्का दे दिया। उसके कमर में काफ़ी चोट आई है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो संजना की रिपोर्ट पर से 4 शहर टहलने और मारपीट का प्रकरण थाना में दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट।